अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आई हूँ अपनी सास के घर, अभी इधर ही हुई हूँ। तो मेरी नानी ने फरमाइश कर दी कि भाभी आप खुद मटे का कोरमा बनाती हैं, तो उसने आते ही मुझे किचन में अंदर कर दिया कि आप अंदर जाएं और कोरमा बनाएं और हमें मजे का कोरमा। चलिए आइए फिर आपको, मैंने कहा मैं इनके लिए बनाती हूँ तो आपको भी अपना दिखाती हूँ। चलिए आइए आपको दिखाएंगे। मैंने ऑयल डाल दिया चिकन धोकर, उसने रखा हुआ था, और अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन धुला हो और फिर मतलब कि पानी उसका खत्म कुछ किया हो तो वो आज में पानी नहीं आता और जल्दी फ्राई हो जाता है। इस तरह ये बहुत मजे का बनता है कौरमा। अब ये फ्राई करेंगे साथ साथ इसको साथ। अब हम आपको लहसुन अदरक और प्याज हरी मिर्चें वो मैंने वो इसमें ना जैसे जैसे मैं बनाती हूँ ना मैं बॉईल करके रखती हूँ। ये देखें इसमें टमाटर है 3 अदद और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है और अदरक है। अब इसको पानी थोड़ा सा डाल के इसको कर लिया है बॉईल, क्योंकि फ्राई प्याज वो कोरमे को ब्राउन ब्राउन कर देता है। फ्राई प्याज जो है ना कोरमे को ब्राउन कर देता है और जले जले की टेस्ट आता है। तो इसी तरह अब हम इसको इसमें डालेंगे। इससे ना मसाले मसाला बहुत मजे का बनता है। ये देखें जी चिकन फ्राई हो गया, तकरीबन पानी नहीं था तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। और इसमें हम तकरीबन 6-7 लौंग और बड़ी इलायची छोटी इलायची और काली मिर्च ये डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और जो अभी हमने आपको ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो डाल देंगे और कोरमा मसाले में। और अब अभी हम दही में मसाला डालेंगे कोरमा मसाला। भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला ले लें जो आपको टेस्ट पसंद है, तो उसे आप अंदाजे से पैकेट डाल दें दही के अंदर। ये देखिए दही में डाल देना आपने और अंदाजन 3 से 4 चम्मच। किलो चिकन है हमारा और इसमें 1.5 पाव मैंने दही डाला है और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने साबुत हरी मिर्च डाली है। तो हम नमक डालेंगे अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिर्चें क्योंकि हमने डाली हुई है पहले से इसको अच्छे से फेंट भी लेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी ये देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो गया और
ऑयल ऊपर आ गया। अब जो हमने पेस्ट किया हुआ, मैंने के ग्राइंड किया हुआ, वो पेस्ट बन गया। अब वो हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये देखें, ये जो बचा हुआ वो भी अच्छी तरह हम डाल देंगे। अब चम्मच की मदद से इसको कर देंगे फ्राई, क्योंकि ये इससे फ्राई हो जाएगा। देखिए आप, ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, ये व्हाइट कोरमे की तरह बनता है, बहुत मजे का। मेरा इनको कोरमा खूब पसंद आता है, मैं जब भी आऊँ तो ये यही इसी चीज की फरमाइश करते हैं, कोरमा बना दें, अचार गोश्त बना दें। तो ये अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें हम फिर दही में जो सब कुछ मिक्स किया वो डाल के उसको रख देंगे और फिर ये कोरमा तैयार। ये देखें जी, चिकन भी फ्राई हो गया और जो हमने लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्चें जो डाल के ग्राइंड की थी बॉईल करके, वो भी डाल दिए। देखें उसने ये ऑयल छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि अब दही और हम जो कोरमे मसाला डाला हुआ है और इसमें जो थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये दही का पेस्ट अच्छे से अब इसे पकाएंगे अच्छे से। देखें व्हाइट व्हाइट कोरमे की तरह खूबसूरत ये डिश में पड़ा हुआ नजर आता है, तो ऐसे लगता है जैसे देख का बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी गार्निश करेंगे कि अदरक की और साथ धनिया हरी मिर्च, तो देखिएगा बहुत, और फ्राई भी कीजिएगा, बहुत मजे का बनता है इतना कोरमा। चलिए जी अब ये पकेगा अच्छे से, ठीक है। करें बाबा, कटलेट्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलूओं को बॉईल किया है, आलू के साथ में चिकन को भी बॉईल किया। और जब मैंने ये बॉईल होने के लिए रखे थे तो हमारी लाइट चली गई थी, अभी भी लाइट नहीं है। और इसको मैं ये मैश कर रही हूँ, इसको हमने चिकन को और आलू को एक साथ मैश करना है ताकि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। जब ये अच्छे से मैश होके यकजा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कद्दूकश की हुई सब्जियाँ डालेंगे। अब मैश किए हुए आलू और चिकन में हम ये डालेंगे वेजिटेबल्स, इसमें होगा हमारे पास प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, चाइनीज गाजर और हरी मिर्च। ये सब हम इसमें आलू और चिकन के पेस्ट में डाल इसमें लाए। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, नमक, और दड़म। एंड पर हम इसमें कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, आलू चिकन वेजिटेबल
स्पाइसेस। जब ये रेडी होगी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चाइनीज कटलेट बारीक बारीक से बना रही हूँ मैं ताकि फ्राई ऊपर ये अच्छे लगे। इतना हाथ से कटलेट अच्छे बन जाते हैं। वैसे इसको राउंड शेप में हम बना लेंगे। अभी कटलेट तो रेडी हो चुके हैं, बस अब इसको फ्राई करेंगे और हम लोग डिनर में अभी कोरमा रेडी करेंगे। भाभी का फेवरेट कोरमा और उससे खोपड़ी भाभी ही करेंगी। बस सारे हाय कर चलिए। आइए खाना रेडी है और ये मेरी सारी फैमिली है, देवर भी हैं और मेरी सासू माँ भी बैठी हुई है, देवरानी भी बैठी हुई है। तो ये मेरे सुसर हैं और आइए फिर हम खाना खाते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर आप गाने का दिल करे तो हम आपको सिस्टम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो सकता। ओके फिर बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाई टाई।